हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग अपनी एडवांस की सीरीज में चलते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग जेई एडवांस की क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके हैं। आइए बिना किसी रुकावट के हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, आज की जो क्वेश्चन हम लोगों की होगी ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2021 की क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट है। अभी आप क्वेश्चन को अभी देख रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को अपने पुराने अंदाज में सॉल्व करते हैं। यार देखो, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करनी है हम लोगों को, ये किस तरीके से सॉल्व करनी है, किसी भी क्वेश्चन के लिए मेरे को सोचना क्या है और उन चीजों को हम लोगों को देखनी है। ओके गाइस, चलो देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन लेट एस एन 0 to ∞ to R बी डिफाइंड बाई एस एन एक्स इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर के एन है, फिर कॉट इनवर्स 1 + k × k + 1 x² / x है, वेयर फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to π एंड टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये हम लोगों का कंडीशन इसकी लिया हुआ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल ट्रू, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हम लोगों को सही होगी इसके बारे में आप लोगों को गैस बतानी है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो, जो क्वेश्चन है कॉट इनवर्स में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं टेन इनवर्स में पहले, एंड देन उसके बाद हम लोग इसकी सॉल्यूशन करेंगे। ओके गाइस, तो आइए क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, ये पार्ट है हम लोगों को जो कॉट इनवर्स में है इसे राइट डाउन कर लेते हैं पहले। ओके, और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस एन हम लोगों को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो पहले कॉट इनवर्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यार, हम लोग पढ़े हैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/s, ये हम लोग यूज कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन जो कॉट में है तो समेशन तो हम लोग बाद में काम कर लेंगे इसके लिए, या तुम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये टेन इनवर्स और ये एक्स बाय हम लोगों की टर्म 1 + k × k + 1 x ये हो गई। तो सबसे पहले होता क्या है, किसी भी क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे सोचते हैं ये अगर आपने डेवलप कर लिया ना, तो क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों को सीरीज वाली क्वेश्चन हो या समेशन वाली क्वेश्चन हो, सबसे पहली चीज है उसको कन्वर्ट करो टेन इनवर्स में। अगर टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन हम लोगों को क्या करनी है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में कन्वर्ट करनी है। अगर इतना आपने कर लिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाता है। और इस टर्म को अब हम लोग लिखेंगे आगे, समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये टेन इनवर्स इसकी अरेंजमेंट k + 1 × x लिखा और -kx लिखा, बाई क्या हो जाएगा, ये 1 + k × k + 1 x² ये हो गई। अब कुछ नहीं, ये सिंपल सी फॉर्मूला हम लोगों का है। और ये किसकी फॉर्मूला है, तो टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स
वाई की फॉर्मूला है और उसी की जरूरत हम लोगों को यहाँ पर था। इसे समेशन के इक्वल टू वन से लेकर के एन तक और इसे हम लोग टेन इनवर्स के प्लस वन इंटू एक्स माइनस टेन इनवर्स के एक्स ये लिख देंगे और ये हम लोगों का एस एन एक्स है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोगों को k की वैल्यू पुट करनी है। यार k की वैल्यू तुम पुट करोगे तो क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएगा। k की वैल्यू 1 लोगे तो 2x हो जाएगा ये हम लोगों का। ओके पुट k की वैल्यू तो ये हम लोगों को tan इनवर्स 2x माइनस क्या हो गए tan इनवर्स x ये प्लस k की वैल्यू 2 लोगे तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x प्लस क्या हो जाएगी tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x एंड सोन। आप ये पुट करते जाओगे तो ये लास्ट हम लोगों को k इक्वल टू जो बोल रहा है n तक लेने के लिए तो हम लोगों का ये हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx ये हो गई। अब तुम गौर से देखोगे इस क्वेश्चन में ये 2x ये 2x ये 3x ये 3x ऐसे करके कटेगा ये कट जाएगा तो एस एन एक्स जो हम लोगों को बचेगा ये tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x बनेगा। फिर यहां पर तुम देख रहे हो कि मेरे यार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बन गई तो इन चीजों को फॉर्मूला पर तोड़ दो तो ये tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। ये हम लोगों का आ जाएगा यहां से सॉल्व करने पर। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखो यहां पर है ये x ये 1 के साथ कटेगा एन एक्स हो जाएगा हम लोगों का ये टर्म तो हो गया tan इनवर्स एन एक्स बाय 1 प्लस एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर ये टर्म और ये वैल्यू हो गई एस एन एक्स की। जैसे कि आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं हम लोगों ने अभी एस एन एक्स निकाल लिया अपनी काम यहां तक हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जरा ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एस टेन एक्स इक्वल टू ए तो अब ए नंबर ऑप्शन जो है हम लोगों को चेक करते हैं एस टेन एक्स है। चलिए इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे एस टेन एक्स एन के जगह पर टेन पुट कीजिए tan इनवर्स ये tan x बाय ये 1 प्लस tan प्लस 1 11 एक्स स्क्वायर हुआ। बट ऑप्शन हम लोगों का कुछ अलग था। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2 होता है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स और ये tan x बाय 1 प्लस 11 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब आपका ऑप्शन जो है ये 10 में दिया हुआ है तो भाई इसको भी करके देखते हैं। इसे हम लोग 10 इनवर्स 1 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाय 10 एक्स लिखेंगे। क्या ये चीजें अब आप लोग देखिए हम लोगों की ऑप्शन है या नहीं है तो चलिए ऑप्शन पर ऑप्शन में देखो पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस आ गया तो मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हम लोगों का सही हो गया। ओके गाइस
बी नंबर ऑप्शन है लिमिट लगा है एन टेंडिंग इनफाइनाइट कॉट है हम लोगों को। तो अब बी नंबर ऑप्शन पर हम लोग आते हैं और बी नंबर हम लोगों को ऑप्शन क्या दे रहा है, हम लोगों का ए नंबर ये आ गया, यानी ए नंबर ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया गाइस, सही हो गया। ओके, बी नंबर ऑप्शन जो हम लोगों को दे रहा है ये बोल रहा है लिमिट एन टेंडिंग इनफाइनाइट और ये कॉट एस एन एक्स बोल रहा है इसे कैलकुलेट करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को तुम लिख सकते हो कॉट एस एन के जगह पर हम लोगों का टर्म आ चुका है टेन इनवर्स एन एक्स बाय वन प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर इतनी। अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये एन टेंडिंग इनफाइनाइट और ये फाइनली हम लोगों को वन प्लस एन प्लस वन इन टू एक्स स्क्वायर बाई ये आ चुका एन एक्स। गाइस यहाँ पर आप जो देख रहे हो इस क्वेश्चन के लिए कि n टेंडिंग इनफाइनाइट है, n में है तो और n की डिग्री यहाँ पर 1 है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी 1 है तो आपकी आंसर यहाँ पर n की कोफिशियंट क्या है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये एक्स कट गई और आ गया हम लोगों को एक्स। तो क्या गाइज मेरे को बी नंबर ऑप्शन सही है या नहीं है ये चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखो बी नंबर भी सही है, एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन की आंसर, इसीलिए हम लोगों का बी नंबर भी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगी। ओके बच्चे, चलिए अब सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। एस थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर दिया हुआ है तो अब इस तरह की चीजों को देखते हैं, यानी क्या हम लोगों का हो गया बी नंबर इज राइट ऑप्शन। ए और बी तो सही हो चुका है, मोर देन वन ऑप्शन की क्वेश्चन है। चलिए सी नंबर जो ऑप्शन हम लोगों को कह रहा है एस थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर, एस थ्री जो हम लोग लिखेंगे एन के जगह पर थ्री पुट होगी थ्री एक्स बाय वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय फोर हो गई। यहाँ से 3x by 1 plus 4x square equal to 10 pi by 4 हुई और 10 pi by 4 की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 3x equal to 1 plus 4x square यानी 4x square minus 3x plus 1 equal to 0। हम लोगों का एक इक्वेशन ये बन गया। क्या इसकी रूट्स की बारे में बात कर रहा है जीरो से वन के बीच में होगी या नहीं होगी, तो इक्वेशन अपने लोगों का 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ गया हम लोगों को 9 माइनस 16 7 आ गया लेस देन 0। भाई साहब जब डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों का इमेजिनरी आ गया तो सॉल्यूशन होगा क्या, सी नंबर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ओके, और ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में सी नंबर कह रहा है तो ये जीरो से इनफिनिट नहीं होगा। डी नंबर की बात किया जाएगा इसमें तो डी नंबर देखते हैं हम लोगों को आंसर आता है या नहीं आता है इस क्वेश्चन की। चलो आप चेक कर लो, डी नंबर कह रहा है क्या टेन और एस एन एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाय टू ये बोल रहे। तो भैया एस एन एक्स जो हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये आ जाएगा हम लोगों को एन, क्या आ जाएगा टर्म एन आ जाएगा एन बाय एक्स हम लोगों का है एन बाय ये एन प्लस टू बनेगा फाइनली और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय टू आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब d नंबर ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा।
प्यारे बच्चे, आप जो अभी इस क्वेश्चन को देख लिए हो, ये क्वेश्चन रहे हम लोगों की, ये सॉल्यूशन रहे, फिर नेक्स्ट स्लाइड बना, फिर नेक्स्ट स्लाइड बना, और जो भी चीजें हैं आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस तरह से इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन बना हम लोगों का। ओके गाइस, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में है, आपको टाइम लेता है। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके गाइस, थैंक यू।